न्यू यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। तो देखो फिस्कल पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो उसके अंदर इस यूनिट में हमें बजट मेकिंग के बारे में पूरा बताया जाएगा। बजट, ये शायद आपने शब्द सुन रखा होगा। तो गवर्नमेंट बजट, ये वर्ड आपको याद है वैसे, गवर्नमेंट बजट सुन रखा होगा पहले, है ना। तो बेसिकली इस यूनिट में हमको सिर्फ बजट कैसे बनाती है सरकार, उस पूरे प्रोसेस को समझना है, सारी बातों को देखना है कि क्या है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यूनिट, 2 से 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें लिखो फर्स्ट एरो डाल के, गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव टू परफॉर्म मैनीफोल्ड फंक्शंस, मैनीफोल्ड फंक्शंस फ्रॉम प्रोटेक्टिंग टेरिटरीज कॉमा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स कॉमा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, सॉरी, कॉम्प्रीहेंसिव प्लान्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि दुनिया भर में जितनी भी सरकार होती है ना, गवर्नमेंट होती है, चाहे किसी भी देश की आप बात करोगे, तो सरकार के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे क्या फंक्शंस हैं आप अंडरलाइन कर लेना, प्रोटेक्टिंग टेरिटरीज, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे इस बात का ध्यान रखना, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, जनता के लिए जो गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स तो अब आपने पढ़ लिए पता होगा, है ना, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ें, इनका प्रोविजन भी सरकार को बनाना पड़ता है। और इसके अलावा भी सामाजिक और आर्थिक, समाज की भलाई करना, मतलब वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, ये सब सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी कंट्री में सरकार के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो यहां पर ऐसे लिख कर दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट, ए बजट, अब बजट क्या होता है, ए बजट इज अ स्टेटमेंट that presents the details of के बाद जो लिखेंगे वो important है, तो highlight कर देता हूँ, details of inverted commas में लिखना, where the money comes from and where the money goes to inverted commas। तो सिंपल भाषा में बजट का मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट है ना, ये एक सरकार का
आप कह सकते हो एक स्टेटमेंट है जिसमें सरकार सारी वो बातें रिकॉर्ड करती हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और सारी वो बातें रिकॉर्ड करती है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो पैसे आने को कह दिया वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड जाने को वेयर द मनी गोज़ टू। तो पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है इस स्टेटमेंट में सरकार रिकॉर्ड करती है ना। और इसी के नीचे आप लिख सकते हो, इसी के जस्ट नीचे लिख सकते हो, डायग्राम चाहे मत बनाओ, कि भाई द बजट ऑल्सो कंटेन्स, द बजट ऑल्सो कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर। द बजट ऑल्सो कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अकाउंट्स सॉरी फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर कॉल्ड बजटेड एस्टिमेट्स। बजटेड एस्टिमेट्स को भी आप हाईलाइट कर लेना, कॉल्ड बजटेड एस्टिमेट्स। तो बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपका चैप्टर है जो अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में और समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली बजट जो है उसके अंदर सरकार अपने एस्टिमेट्स लिखती है आने वाले वर्ष के, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के, आने वाले वर्ष के सरकार अपने अकाउंट्स लिखती है। अकाउंट्स का मतलब है कि उसमें रिसिप्ट्स भी लिखती है, पेमेंट्स भी लिखती है, और ये सब एस्टिमेट्स होते हैं, अनुमान होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें सरकार अपना सारा जो आने वाले फ्यूचर में एक साल है उसका सारा जो एस्टिमेट है वो लिखती है, इसीलिए इसका नाम है बजटेड एस्टिमेट्स। कि सरकार को लगता है, एस्टिमेट होता है कि हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे या हमें कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे, तो इस स्टेटमेंट को गवर्नमेंट बजट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, समझ आ गया गवर्नमेंट बजट क्या है। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर सरकार अपने बेसिकली एस्टिमेट्स लिखती है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। तो वैसे आपने कभी रियल लाइफ में देखा है बजट, मतलब न्यूज़ में सुना है, न्यूज़ में आता है ना, बड़ा एक बड़ा इवेंट होता है वो, उस दिन न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे वही चलता है पूरे दिन, तो इट इज़ अ बिग इवेंट। चलो तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आप मार्क कर लो, है बहुत बड़ा क्योंकि इसमें आपको पूरा प्रोसेस है, तो ये रटना रटना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो इस प्रोसेस में से ही आप मान के चलो 3 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछ लेगा, 3 मार्क्स तक के। तो इसमें हमें लिखना है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, कि आखिर बजट बनता कैसे है। प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग है ना, पूरा प्रक्रिया लिखनी है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, सॉरी, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। ठीक, तो वन वन करके लिखते रहते हैं, तो फर्स्ट एरो डाल के आप लिखना, द बजट इज प्रिपेयर्ड, द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि किससे कंसल्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बताओ चौहान साहब, सरकार किससे कंसल्ट करती है बजट बनाने से पहले। एन से शुरू होता है, नीति आयोग, ठीक है, डबल ए वाई ओ जी, नीति आयोग। इसमें नीति की फुल फॉर्म बताओ, नीति की फुल फॉर्म बताओ,
नीति की नहीं पता किसी को, तो कॉमन है तो लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से क्या होगा, इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग से कंसल्ट करती है, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब परिवर्तन। पहले याद है आपको प्लानिंग कमीशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, फिर उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया, नीति आयोग आ गया। तो ये वो है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नीति आयोग के साथ कंसल्टेशन करती है, विद नीति आयोग एंड अदर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, और भी दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं रेलिवेंट उनके साथ। तो सबसे पहले तो ये हो गया कंसल्टेशन कि भाई सलाह मशवरा। उसके बाद सेकेंड एरो, द बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड, द बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। फिर ये बजट दोनों ही हाउसेस के पास प्रेजेंट होना चाहिए, जो हम आगे भी अभी पढ़ेंगे कि कैसे है पूरी प्रक्रिया, लेकिन फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग से पहले। फिस्कल ईयर का मतलब है, लिख लो ब्रैकेट में, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फिस्कल ईयर के आने से पहले पहले बजट जो है दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली, आपको याद पता हो तो अभी फ़िलहाल बजट कब पेश हो जाता है, फ़रवरी में, फ़रवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही बजट अब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया जी आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड एरो, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेजिडेंट शेल, द प्रेजिडेंट शेल कॉज टू बी लेड बिफोर, कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर, कॉमा referred as annual financial statement, annual financial statement, annual financial statement को आप block बना लेना, referred to as annual financial statement। तो ये भी हमारे मतलब संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 112, इसमें भी वही बात कही गई है, मतलब लैंग्वेज सेम ही है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें दोनों हाउसेस के समक्ष
रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का जो मतलब एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है सरकार का, वो प्रेजेंट करना है, और उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली आर्टिकल 112 में दी गई है बात, इसलिए लिखी। बात वही है कि बेसिकली दोनों हाउसेस को के बीच में सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट करना है, और उस स्टेटमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एरो, द बजटरी प्रोसीजर आर, फिर इसमें आप डैश डाल लेना। बजटरी प्रोसीजर जो है वो मोटा मोटा क्या है, उसमें तीन स्टेप्स हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ बजट, प्रिपरेशन ऑफ बजट, सबसे पहले बजट बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो सबसे पहले बजट बनाया जाएगा। दूसरा है प्रेजेंटेशन एंड इनेक्टमेंट ऑफ बजट, प्रेजेंटेशन एंड इनेक्टमेंट ऑफ बजट। तो इसका मतलब है कि बनाने के बाद फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा, और इनेक्टमेंट का मतलब है कि मतलब कानून में पास करवाया जाएगा, है ना। तो प्रेजेंटेशन एंड इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट का मतलब होता है कोई एक्शन लेना, कानून में पास करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, फिर उसको लागू करवा देते हैं पूरे देश के अंदर, तो यानी कि वो एग्जीक्यूट हो गया। तो मतलब सिंपल तीन शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हो, प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एग्जीक्यूशन। तो पहले बजट प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको दिखाएंगे दोनों हाउसेज में, और फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये हो गए मतलब तीन छोटे स्टेप्स। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द बजट प्रोसेस mainly consists of two activities, इसमें mainly दो तरह की गतिविधियाँ involve होती हैं budget process में, दो activities involve होती हैं। तो बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए, A और B, क्या हैं वो दो activities। एक होती हैं administrative process और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और एक होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सॉरी, चलो तो अब खुद अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ इन शब्दों का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब क्या और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का वैसे मतलब होता है डे टू डे वर्किंग, कामकाज। तो जब हम बजट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें दो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक को बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब हो गया कि मतलब जिसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब होगा, आप ऐसा मतलब लिख सकते हो ब्रैकेट में। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब हो गया एक तरह से सारे डॉक्यूमेंटेशन, भाई इतना बड़ा बजट है, पूरा पुलिंदा होता है 1000 पन्नों का, है ना, तो उसको बनाना, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, सबको दिखाना, बताना, ये सब काम, मतलब ये पेपर वर्क कह सकते हो, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, पेपर वर्क। और लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब लीगल प्रोसेस, राइट, कानूनी प्रक्रिया, कि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को दिखाएंगे, फिर वो पास करेंगे, फिर दस्तखत होंगे प्रेसिडेंट के, राइट। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब हो गया लीगल प्रोसेस, या काइंड ऑफ लिख सकते हो ऐसे अपने समझने के लिए कि भाई लीगल प्रोसेस ही लिख लो, चलो शॉर्ट में, है ना, अपने समझने के लिए कि भाई जो भी लीगैलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एरो,
ए सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशन, ए सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशंस आर डन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कॉमा वेरियस स्टेक होल्डर्स एटसेट्रा। इसमें आप हाईलाइट कर लेना प्री बजट कंसल्टेशंस को, प्री बजट कंसल्टेशंस को। तो प्री बजट कंसल्टेशन का मतलब प्री बजट कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं है ना, तो वो अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, अलग अलग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर से, नीति आयोग के एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से, मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डरों से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं कि भाई देखो हम ऐसा सोच रहे हैं या हम ये कर सकते हैं या हमारे दिमाग में ये है। तो मतलब पहले क्या होता है, बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशन होता है, ये मतलब है। समझ आ गया ना पॉइंट का मतलब, प्री बजट कंसल्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरो, द बजट डॉक्यूमेंट्स सॉरी द बजट डॉक्यूमेंट्स डिपिक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू receipts and expenditures for 2 years, 2 years को भी आप underline कर लेना, for 2 years, और इसके नीचे से bifurcation करना, तीन arrow, the budget documents डिपिक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर 2 years, 2 years को अंडरलाइन करके तीन बाइफर्केशन करना। पहले में लिखना बजट एस्टिमेट्स ब्रैकेट में बीई ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट एंड एनस्यूइंग, ई एन एस यू आई एन जी, एनस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर। बजट एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट एंड एनस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर। दूसरे बाइफर्केशन में For the current year through revised estimates, for the current year through revised estimates bracket में RE, और third actuals of the year preceding करंट ईयर, एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रिसीडिंग करंट ईयर। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स मतलब तीन बातें इसमें बजट डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं, बीई, आरई और एक्चुअल्स। तो शॉर्ट में ऐसे कीवर्ड्स याद रख लेना, वही हाईलाइट कर देता हूँ, बीई, आरई और एक्चुअल्स।
तो सर ये क्या है BERE और एक्चुअल्स? तो BE का तो मतलब है अनुमान, एस्टिमेट लगाते हैं हम इस साल का और आने वाले साल का, तो दोनों वर्षों का अनुमान कि भाई बजट एस्टिमेट्स क्या हैं हमारे, रिसिप्ट्स में एक्सपेंडिचर के हमारे एस्टिमेट्स क्या हैं, तो ये तो हो गया अनुमान। अच्छा, फिर अगर करंट ईयर में कोई अनुमान चेंज करा आपने, कोई एस्टिमेट रिवाइज करा, तो वो हो गया यानी फॉर द करंट ईयर थ्रू रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, समझ गए? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स का मतलब है कई बार आपका एस्टिमेट चेंज भी हो जाता है करंट ईयर में, तो वो हो गया। और तीसरा हो गया कि प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, मतलब कि ईयर प्रिसीडिंग करंट ईयर, पिछले साल का एक्चुअल्स, क्योंकि पिछला साल तो बीत चुका, वो तो हिस्ट्री है, तो उसके बारे में तो आपको एक्चुअल पता ही होगा कि कितना खर्चा करा पिछले साल, कितनी रिसिप्ट्स हुई, तो पिछले साल का हमें एक्चुअल्स यानी कि जो एक्चुअल फिगर, तो ये अनुमान नहीं है। तो मतलब ऐसी सिंपल भाषा में समझने के लिए हो गया, पहले का मतलब है अनुमान, दूसरे में अनुमान में परिवर्तन या अनुमान में कोई चेंज हो गया, और तीसरे में तो एक्चुअल है, तो ये अनुमान नहीं है, इसका मतलब है कि पिछले साल की हकीकत, एक्चुअल, समझ गए? तो अनुमान, अनुमान में चेंज और हकीकत, तो तीन कागज होंगे बजट डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? तो समझ आ गए पॉइंट्स? तो आपको हर पॉइंट का बस मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरो, द बजट स्पीच। बजट स्पीच सुनिए, चौहान साहब टीवी पे आती हैं, निर्मला सीतारमण जी कई वर्षों से आती थी ना, स्पीच देती हैं, तो वो सुनिए स्पीच, द बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इज यूजुअली, बताओ स्पीच कितने पार्ट्स में होती है? टू पार्ट्स। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच होती है वो होती है यूजुअली इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, तो ऐसे ही लिख लो पहले, पार्ट ए ऑफ बजट सॉरी गिव्स एन आउटलाइन ऑफ प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड बजट एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो होता है पहला पार्ट फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का, ये होता है जी पहला पार्ट, पार्ट ए, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बताते हैं कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है और हमारे अनुमान क्या हैं और हमारे नेक्स्ट ईयर को लेकर अनुमान क्या है। तो निर्मला सीतारमण जी की अगर आप स्पीच सुनोगे, जो भी बजट स्पीच थी या किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की सुनोगे, तो पहले पार्ट में, पार्ट ए में वो अभी क्या हालात चल रहे हैं देश के वो बताते हैं और क्या अनुमान है वो बताते हैं, तो पार्ट ए तो ये हो गया। और पार्ट बी में बताओ फिर क्या बताते हैं फाइनेंस मिनिस्टर? वो सारी कहानियाँ जो आप न्यूज़ में, जो न्यूज़ में आप मेन हेडलाइन सुनते हो, वो पार्ट बी होती है कि सरकार ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया इनको, गरीबों के लिए ये करा, वहाँ पे स्कूल खोलने की बात करी, ये वो करी, मतलब जो फिर प्रोविजंस होते हैं वो पार्ट बी में। तो पार्ट बी ऑफ बजट स्पीच, पार्ट बी ऑफ बजट स्पीच डिटेल्स द प्रोग्रेस द गवर्नमेंट
हैज मेड ऑन वेरियस डेवलपमेंटल मेजर्स, ऑन वेरियस डेवलपमेंटल मेजर्स एंड ऑल्सो द टैक्स प्रपोजल्स। ये भी शायद आपने सुना होगा, टैक्स चेंज कर देती है ना सरकार अपने बजट में हर साल, कुछ ना कुछ कम कर दिया, बढ़ा दिया, ज़्यादा जो भी है। तो ये सब चीज़ें सरकार अपने पार्ट बी में करती है कि भाई जो भी डेवलपमेंटल मेजर्स सरकार ने लिए गरीबों के लिए, ये वो, और जो भी सरकार ने टैक्स से रिलेटेड चेंज करे वो अपने सरकार पार्ट बी में बताती है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्ट बी में बताते हैं। तो पहले स्पीच में हालात बताते हैं, क्या हालात हैं, और दूसरे में फिर सरकार अपने उसके मतलब मेजर्स बताते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे गरीबों के लिए, ये करेंगे, और टैक्स जो है अगर कोई चेंज हुआ है तो वो ये होगा। तो ये इस तरह से स्पीच चलती है। तो क्लियर हो गई स्पीच। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, शोज द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन थ्री सेपरेट पार्ट्स। थ्री सेपरेट पार्ट्स को भी आप हाईलाइट कर लेना और इसके नीचे से तीन बाइफर्केशन निकाल लेना, 1, 2, 3, इन थ्री सेपरेट पार्ट्स। तो क्या है वो तीन सेपरेट पार्ट्स, ये नाम याद रखने, सब एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता। तो पहले को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरे को बोलते हैं कॉन्टिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कॉन्टिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, तो ये नाम है बेसिकली। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं या सरकार का जो बन रहा है, उसमें तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कॉन्टिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक पब्लिक अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एरो, द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट कॉमा बिसाइड्स द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्पीच कॉमा इज गिवन बिलो। ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी हमसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भाई बजट डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, या क्या क्या बजट डॉक्यूमेंट्स में और चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं पार्लियामेंट में। तो मेनली चार चीज़ें और होती हैं, चार डॉक्यूमेंट्स और होते हैं। तो ए है, वो तो आपने ऊपर लिख ही लिया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, ये तो आपने ऊपर लिख ही लिया कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS। दूसरा दिखाते हैं जी, इसका नाम है डिमांड फॉर ग्रांट्स, DG, जो भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स DG।
तीसरा तो होता है जी फाइनेंस बिल, ये भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे, फाइनेंस बिल। और चौथा होते हैं जी स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर, कानून का नाम लिखना है अंडर के बाद, कानून का नाम है FRBM एक्ट, FRBM एक्ट। तो FRBM आपने 12th में पढ़ रखा है, क्या होता है FRBM बताओ युवराज बाबू, किताब में तो नहीं दिखेगा ऐसे। चलो F से हिंट दे देता हूँ, F से फिस्कल है, R से रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर हमने नहीं पढ़ा। बी से मतलब एंड भी आएगा बीच में, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट। एम से बताओ मैनेजमेंट, राइट। तो ये कानून है FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इस कानून के तहत दो चिट्ठे लगाने पड़ते हैं हमें, तो दोनों चिट्ठों के नाम लिखते हैं डैश डाल के। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कि भाई क्या हालात हैं मैक्रो इकोनॉमिक, और दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कि भाई सरकार की फिस्कल पॉलिसी क्या है मीडियम टर्म की, कम यानी कि साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और सरकार की फिस्कल पॉलिसी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो बेसिकली ये नाम है दोनों स्टेटमेंट्स के, तो ये तो आपको खैर लर्न करने हैं मेनली, तो पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि FRBM एक्ट के तहत कौन से दो स्टेटमेंट मैंडेटेड है मतलब कंपलसरी है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो नाम आप सही सही लिखना। लिख लिया, अब इसी के नीचे नेक्स्ट एरो, अगली बात द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन कैटेगरीज जैसे ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट कि भाई प्रेसिडेंट को कितने रुपए तनख्वाह मिलती है ना, या कॉमा इम्यूलुमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं। तो इम्यूलुमेंट्स का भी मतलब वही होता है अलाउंसेस या मतलब बेनिफिट्स, कुछ भी समझ लो है ना, एटसेट्रा। आर चार्ज्ड टू या चार्ज्ड ऑन, सॉरी आर चार्ज्ड ऑन, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि भाई कुछ खर्चे हम कहाँ चार्ज करते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पहले भी आया था शब्द वैसे, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हो आप क्या है, ये डॉक्यूमेंट था पहले, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या हो गया वैसे, मतलब कंसोलिडेट का मतलब
बताओ, ये तो नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग बताओ, कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एक जगह करना। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है कि इसमें हम ये मान रहे हैं कि जो भी पूरा मतलब टोटल फंड आएगा, ये देखो ये पहले भी आया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन पार्ट्स होते हैं, तो पहला पार्ट क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि मतलब पूरे भारत से मान लो जो इकट्ठा फंड आएगा, तो हम ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या प्रेसिडेंट की जो तनख्वाह होती है, मतलब कुछ खर्चे, एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, कुछ खर्चों को हम कंसोलिडेटेड फंड में से ही चार्ज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें होगी ना भाई, प्रेसिडेंट की तनख्वाह, तो प्रेसिडेंट की तनख्वाह कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिसको हम बाकियों के साथ मर्ज करें, तो इन कुछ खर्चों को हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही चार्ज कर देते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, ये मतलब है। तो ये पूछ लेता है कई बार कि ये खर्चे कहाँ से चार्ज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टार डाल के लिख सकते हो पॉइंट्स, ये भी है इसी के अंदर ही चल रहे। देखो ये प्रोसेस मैंने बताया था ना, बड़ा पॉइंट है बहुत, और इसमें से आपसे किसी पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तीन नंबर की वेटेज है इसकी, शॉर्ट शॉर्ट मान के चलना कि भाई प्रोसेस क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस के अंदर ही हम बातें लिख रहे हैं कि ये होता है, वो होता है, इतने पार्ट्स होते हैं, ये चिट्ठी बनती है, ये स्टेटमेंट्स लगते हैं, ये खर्चे होते हैं। उसी में एक और स्टार पॉइंट अब आ रहा है कि बाय कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर, अब जिस साल इलेक्शन होते हैं कॉमा, द बजट क्या होता है बताओ चौहान साहब, बढ़ नहीं जाता, द बजट मे बी प्रेजेंटेड, बताओ सी एंटर वालों को तो पता होता है, तो लिखो बड़ा बड़ा ट्वाइस। तो जनरली इलेक्शन वाले साल में बजट दो बार करती है सरकार पेश, एक इलेक्शन से पहले वो दो तीन महीनों के लिए, और फिर अब इलेक्शन के बाद फुल पूरे साल का। तो जैसे इस साल इलेक्शन अगर है तो अभी बजट आया था, वो इंटरिम बजट बोला था ना सरकार ने कि भाई ये दो तीन महीनों के लिए, फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे फिर कह रहे फुल फ्लेज्ड तरीके से निकालते हैं। तो जनरली ये प्रथा बनी हुई है कि जिस साल इलेक्शन होता है तो उस साल दो बार बजट पेश कर देते हैं, है ना। तो एक स्टार पॉइंट था बीच में, मतलब बाय चांस पूछ ले। तो इसके बाद नेक्स्ट एरो, दोबारा से प्रोसेस की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एरो में है द बजट इज डिस्कस्ड इन टू स्टेजेस। अब बजट की जो चर्चा होती है वो दो स्टेजेस में होती है, इन लोकसभा, तो लोकसभा में बजट पर चर्चा दो स्टेजेस में होती है। तो इसी के नीचे लिखना द लोकसभा हैज द पावर टू कॉन्कर और टू रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय गवर्नमेंट, ग्रांट सॉट बाय गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी समझाऊंगा, फिर इसी के नीचे लिखना The budget is laid down, on the table of the Rajya Sabha soon after the finance minister has completed the speech
इन लोकसभा, फुल स्टॉप, द राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट एंड देयर इज ओनली जनरल डिस्कशन एंड देयर इज ओनली जनरल डिस्कशन। तो ये लिख लो पहले आप। चलो तो ये देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली लोकसभा में दो स्टेजेस में डिस्कशन होता है, ये तो एक छोटा पॉइंट हो गया। लेकिन अब लोकसभा जो होता है उसमें पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना बजट दिखाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में ये शक्तियाँ हैं कि मान लो सरकार ने ग्रांट मांगा, ठीक है, सरकार ग्रांट मांग रही है। ग्रांट का मतलब है कि सरकार मान लो कह रही है कि हमें बजट के लिए अगले साल, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो इसका मतलब सरकार कितना ग्रांट चाहती है, 1 लाख करोड़। अब लोकसभा में जब इस पर जिक्र हुआ तो लोकसभा में ये पावर है कि वो मना भी कर सकते हैं या इसको कम भी कर सकते हैं। यही लिखा है कि देखो, द लोकसभा हैज़ द पावर टू कॉन्कर और टू रिड्यूस या रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय गवर्नमेंट। तो समझ आ गया पॉइंट? तो लोकसभा में मना कर सकते हैं, भाई ये इतना नहीं मिलेगा या ये ज़्यादा है, कम मिलेगा। अच्छा जी, अब जैसे ही लोकसभा में कंप्लीट होती है स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसके बाद फिर ये बजट कहाँ पहुँच जाता है लोकसभा पे जाने के बाद, राज्यसभा। तो यही लिखा है कि द बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा सून आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर कंप्लीटेड द स्पीच इन लोकसभा। अब राज्यसभा में जो है वहाँ पर ये अमाउंट कम या ज़्यादा नहीं करते। लास्ट पॉइंट में लिखा है द राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट। तो वो लोग ग्रांट के डिमांड्स पर वोट नहीं करते कि भाई ये ज़्यादा मांग रहे हैं कम मांग रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ क्या करते हैं, जनरल डिस्कशन। तो आमतौर पे तो ये फॉर्मेलिटी ही होती है बस, कि हाँ 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 भाई ठीक है भाई, चलो ठीक है, ओके, ऐसा बस फॉर्मेलिटी, ये मतलब है। तो समझ आ गया कि क्या लिखा है आपने? तो बेसिकली लोकसभा में पावर है सरकार की ग्रांट को कम करने की, और लोकसभा में स्पीच खत्म होते ही बजट राज्यसभा में पहुंच जाता है, और राज्यसभा में कुछ ऐसा कम वम करते नहीं है और उसमें सिर्फ एक जनरल डिस्कशन होता है। फिर देखो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एरो, आफ्टर द डिस्कशन या आफ्टर द जनरल डिस्कशन कॉमा द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अप्रोप्रिएशन बिल, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल को आप हाईलाइट कर लेना, अभी समझाऊंगा। तो आफ्टर द जनरल डिस्कशन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अप्रोप्रिएशन बिल। अब ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, एक छोटा सा एरो डाल के लिख लो कि भाई ये क्या है। इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी, इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर, टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। इट इज़ इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। इसको बादल बना लेना और फिर इसी के नीचे लिखना, फिर समझाता हूँ एक साथ।
इसी के जस्ट नीचे लिखना मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ आर मेड इन द फॉर्म ऑफ के बाद भी हाईलाइट कर लेना ये कीवर्ड है इसको बोलते हैं कट मोशंस द मोशंस फॉर रिडक्शन टू सीक द मोशन फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कट मोशंस सीकिंग टू रिड्यूस द सम सॉट बाय द गवर्नमेंट सम सॉट बाय द गवर्नमेंट तो जनरल डिस्कशन के बाद क्या होता है वो लिखा है बेसिकली कि भैया राज्यसभा में जनरल डिस्कशन हो गया उसके बाद क्या होगा सॉरी तो उसके बाद बेसिकली गवर्नमेंट एक एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करती है एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है कि मतलब एक तरह से सरकार को अथॉरिटी मिल जाए यानी कि सरकार को शक्तियां मिल जाए कि भाई जो भी हम खर्चा करना चाहते हैं और जो भी हम पैसा निकालना चाहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो निकाल सकें तो इस बिल को कह देते हैं एप्रोप्रिएशन बिल तो समझ आ गया एप्रोप्रिएशन बिल क्या है कि ये सरकार को अथॉरिटी देता है किस बात की अथॉरिटी दे देगा कि आप खर्चा कर सकते हो कहाँ से खर्चा कर सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो इस बिल को बोल देते हैं एप्रोप्रिएशन बिल अच्छा अब मोशन फॉर रिडक्शन इसका क्या मतलब है अब कई बार सरकार ने जो ग्रांट्स मांगे हैं या सरकार की जो डिमांड है ना वही एग्जांपल ले लेता हूँ मान लो सरकार कितने रुपए मांग रही है 1,00,000 करोड़ ऐसी बोल रहा हूँ मान लो लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इतना तो नहीं दिया जाएगा इसको कट करो इसको कम करो तो इसको कट करने के लिए इसको कम करने के लिए मोशन पास होता है मोशन मतलब भाई एक कानूनी प्रक्रिया हो गई लेट से तो यही लिखा है कि मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर मेड और उसको क्या नाम दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कट मोशंस तो कट का मतलब है कि अमाउंट कट करना चाहते हैं है ना मतलब सरकार जो क्लेम मांग रही है सरकार जो ग्रांट मांग रही है उसको कट करना चाहते हैं और उसके लिए मोशन पास कर रहे हैं तो इसलिए नाम पड़ गया कट मोशन सीकिंग टू रिड्यूस द सम सॉट बाय द गवर्नमेंट मतलब जितना सरकार पैसा मांग रही है उस पैसे को कम करना चाहते हैं कट करना चाहते हैं तो इसको नाम दे दिया कट मोशन तो ये क्लियर होगी कहानी क्या लिखा है तो ये कट मोशन भी क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ लेता है तो आपको डेफिनेशन देकर पूछ लेगा कि ये क्या है या इसको किस फॉर्म में करते हैं तो कट मोशन ठीक है जी तो एप्रोप्रिएशन बिल तक पहुंच गए उसके बाद नेक्स्ट एरो जो सरकार ग्रांट मांग रही है उसको कम करने के लिए या कट करने के लिए कट मोशन इसके बाद नेक्स्ट एरो में द फाइनेंस बिल सीकिंग टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंस बिल सीकिंग टू गिव इफेक्ट टू द गवर्नमेंट्स taxation proposal is introduced in Lok Sabha immediately after the presentation of general budget immediately after the presentation of general budget
फुल स्टॉप और इसी के आगे द फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन द फाइनेंस बिल इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग आफ्टर द appropriation bill is passed after the appropriation bill is passed baki bracket mein likh lete hain finance bill has to be passed finance bill has to be passed within 75 days of its introduction तो एक तो 75 days को भी highlight कर लेंगे और सबसे पहले main word highlight कर लेना finance bill तो अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनली सरकार फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है जैसे ही लोकसभा में उनकी स्पीच या जनरल बजट खत्म होता है तो अप्रोप्रिएशन बिल के बाद या अप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद फाइनेंस बिल सरकार प्रपोज करती है या इंट्रोड्यूस करती है और फाइनेंस बिल का मतलब है कि भाई इसमें सरकार की कौन सी पॉलिसी होती है बादल बना लेना टैक्सेशन पॉलिसी जो आप सुनते हो ना सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया कम कर दिया ये वो जो भी हो गया वो फाइनेंस बिल होता है तो अप्रोप्रिएशन बिल के बाद या उसके पास होने के बाद फिर सरकार फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है और पार्लियामेंट को उसको 75 डेज के अंदर पास करना होता है और फाइनेंस बिल का मतलब है जिसमें सरकार अपना टैक्सेशन का प्रपोजल भेजती है कि भाई इतना टैक्स हम लगाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं व्हाटएवर फिर इसके नीचे अब फाइनेंस बिल मान लो पास हो गया फिर क्या होगा आफ्टर द फाइनेंस बिल हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा कॉमा इट इज ट्रांसमिटेड फिर इसको कहाँ भेज देंगे बताओ टू राज्यसभा तो ये तो एक बेसिक बात है कि जब फाइनेंस बिल पास हो गया लोकसभा में तो फिर इसको भेज देंगे टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशंस कि भाई किसी को कोई सुझाव देने हैं क्या तो फिर उसको राज्यसभा में भेज देते हैं रिकमेंडेशंस के लिए बाकी फुल स्टॉप डाल के लिख लो इट हैज टू बी returned back within 14 days 14 दिनों में इसको फिर वापस भेजना पड़ता है राज्यसभा को कि भाई ठीक है हमने देख लिया सब कुछ ठीक लग रहा है और अगर कोई रिकमेंडेशन देनी है तो वो भी दे सकते हैं बाकी राज्यसभा की रिकमेंडेशन मानी जाएगी कि नहीं है बताओ मतलब लोकसभा को राज्यसभा की रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी या नहीं भी मान सकते नहीं भी मान सकते ठीक है तो राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन भेजेगी 14 दिन के अंदर अब लोकसभा को लगता है कि करना है चेंज तो करेंगे नहीं लगता तो नहीं करेंगे तो ये भी लिख लेते हैं बात ब्रैकेट में लिखना चाहें कि भाई रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा मे बी एक्सेप्टेड recommendations of Rajya Sabha may be accepted or rejected by Lok Sabha तो उनकी मर्जी है भाई लोकसभा वालों की recommendation पसंद आई तो कह देंगे ठीक है चलो मान लेते हैं नहीं पसंद आई तो नहीं मानेंगे तो ये तो एक formality का point है बस simple मतलब ज़्यादा कोई इसका relevance नहीं है formality का point है कि भाई ठीक है
राज्यसभा ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए, अब लोकसभा अगर मानना चाहे तो मान ले, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान ले, बस फिर अपना फाइनेंस बिल आपका बन गया तो बजट कंप्लीट हो जाता था। तो ये पूरी प्रक्रिया है चौहान साहब, देख रहे हो 3 नंबर की पूरी प्रक्रिया है, नहीं तो फिर 97 आएंगे। बाकी इसमें 2 स्टार पॉइंट्स हैं वो भी लिख लो। तो पहला स्टार डाल के लिख लो, ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज allotted for discussion on the demands for grants, comma, the speaker puts all the outstanding demands for grants to vote of the house, full stop. This process is called, तो ये पूछ लेता है, डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो भी आखिरी दिन होता है, मतलब डिस्कशन का, जो डिस्कशन का आखिरी दिन होता है जिसमें जो सरकार ग्रांट मांग रही है, यानी कि द डिमांड्स फॉर ग्रांट है ना, जो सरकार ग्रांट मांग रही है, तो स्पीकर अपनी सारी डिमांड्स रख देता है कि भाई देखो हम तो इतने 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 रुपए मांग रहे हैं, हमें तो 1,00,000 करोड़ रुपए का ग्रांट चाहिए। तो इस पर फिर वोट ऑफ हाउस होता है, वोट ऑफ हाउस का मतलब है कि मतलब वोटिंग होती है ना। तो जो डिस्कशन का आखिरी दिन होता है उसमें स्पीकर अपनी सारी डिमांड्स रख देता है कि भाई हम तो इतने इतने ग्रांट्स मांगना चाहते हैं या चाहते हैं, तो फिर उस पर एक वोट ऑफ हाउस होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये है क्वेश्चन। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछे, मतलब सीधी स्टेटमेंट आएगी और बस यही पूछेगा कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लूटाइन, GULLOTINE। अच्छा वो उसका नाम थोड़ी ना ये, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लू टाइन, या कुछ भी मतलब अपने हिसाब से बोल लो, GULLOTINE। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लू टाइम। और 1 स्टार पॉइंट और है लास्ट, फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि सिंस 2017-18 में, कॉमा, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, द डेट ऑफ presentation of budget has been advanced to, क्या कर दिया बताओ, अब बजट की डेट, हाँ 1st February, तो 2017-18 में चेंज हुआ था, बजट की डेट को 1st February कर दिया गया था। और एक और चीज़ हुई थी वो भी लिख लेते हैं, फुल स्टॉप, 2017-18 में मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ जनरल बजट, पहले रेलवे बजट अलग आता था, फिर 2017-18 में रेल बजट को मतलब मर्ज ही कर दिया, कहा कि भाई रेलवे का भी बजट हम इसी जनरल बजट के साथ ही बता देंगे, अब उसके लिए क्या अलग से बजट बताना। तो ये भी 2017-18 में हो गया था, तो रेलवे बजट को जनरल बजट का ही पार्ट बना दिया था, तो अब रेल बजट अलग से नहीं आता, पहले रेल बजट तो अलग से होता था, ऐसे होता था।
है ना। तो ये बेसिकली पूरी प्रक्रिया है। तो खैर आज तो बस इतना ही करते हैं। तो आज आपने बेसिकली दो ही बातें सीखी हैं कि बजट क्या है, इंट्रोडक्शन, और उसका पूरा प्रोसेस क्या है बेसिकली, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सिखाऊंगा कि बजट के अंदर चीज़ें क्या होती हैं, मतलब सरकार के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सरकार के रिसिप्ट्स क्या होते हैं, है ना, और बजट कितने प्रकार का होता है, वो सब बातें करेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही करते हैं, चलो, है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना यहाँ तक।